और आज मैंने बाल कटवाए थे तो जल्दी में था, और जिसने काटे उसको उसने भी पूरे मन से नहीं काटे, तो मेरे बालों की उसने वाट लगा दी। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि इस वीडियो का टॉपिक भी है, कि मसल्स हमारी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती हैं। इसके ऊपर कोई बात नहीं करता है कि अगर हम यूं कर रहे हैं, अगर हम बाइसेप्स पे ये मूवमेंट कर रहे हैं तो ही मसल कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रही है, किसी और मूवमेंट पे वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं हो सकती। जब भी हम बाइसेप की एक्सरसाइज करते हैं तो हम यूं ही क्यों करते हैं, और कोई तरीका क्यों नहीं है जिससे हमारी बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट हो सके, उसका एक रीज़न है। मैं इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में बाइसेप ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट क्यों होता है, चेस्ट ऐसे ही या ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट क्यों होती है। और चेस्ट वैसे एक्चुअल में, अगर मैं आपको सच बताऊं तो, जितनी बेहतर इस मोशन में, इस मूवमेंट पे कॉन्ट्रैक्ट होती है, उतनी बेंच प्रेस पे नहीं होती है। उसका रीजन है, देखिए पहले मैं आपको बाइसेप बताता हूँ कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर आपको ये पूरे जानना है तो इस वीडियो को पहले तो आप पूरा देखिए, इसमें इस वीडियो के एंड पे आप ये जान जाएंगे कि मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्टिकुलर मोशन में हो रही है तो उसी मोशन में वो कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रही है। और जो भी लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो लोग पुराने हैं वो तो कर ही रखें, दोबारा मत दबा देना वरना अनसब्सक्राइब हो जाएगा। हमारी बॉडी में हर मसल का एक ओरिजिन और एक इंसर्शन होता है। ओरिजिन मतलब कि जहाँ से वो मसल शुरू हुई है, और इंसर्शन यानी जहाँ पे वो मसल जाके खत्म हुई है, मतलब जहाँ पे उस मसल का एंड हुआ है। तो हर मसल जहाँ पे भी, जब भी वो मसल इंसर्शन से ओरिजिन की तरफ जाती है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि जब भी मसल छोटा होता है, कॉन्ट्रैक्शन में मसल छोटा होता है। जब भी हम स्ट्रेच करते हैं, हम हमेशा स्ट्रेच करते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में। सपोज अगर किसी को चेस्ट स्ट्रेच करनी है तो वो क्या करता है, वो ये करता है, ये मूवमेंट करता है, किसी ने अपने हाथ पकड़वा के पीछे करता है, क्योंकि ये स्ट्रेच मूवमेंट है। और अगर यहीं पे इसे कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, अगर हमें चेस्ट की मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो हम ये करेंगे, ये मूवमेंट, यानी यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस मिली तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुई, यहाँ से रेजिस्टेंस रिलीज हुई और हमने पीछे और खींचा इस हाथ को तो ये मसल स्ट्रेच हुई। सेम गोज फॉर बाइसेप्स, सेम गोज फॉर ट्राइसेप्स, ट्राइसेप्स ये एक्सटेंड हुई, और अगर ये एक्सटेंड हुई यानी कि ये मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, जब हमने आर्म को अपने एक्सटेंड करा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुई, ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट हुई, और यहीं पे अगर हम इसको पकड़ के ऐसे खींच देते हैं तो ये स्ट्रेच हो जाती है, यानी अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई। अब जैसे मैं बाइसेप की बात करता हूँ गाइस, ये मैं हर मसल की सीरीज बनाऊ, हर मसल की एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मसल, हर मसल का कहाँ से ओरिजिन है और कहाँ से इंसर्शन है, कि मतलब कौन सी मसल का कहाँ से ओरिजिन है और कहाँ पे इंसर्शन है। तो जब वो इंसर्शन से ओरिजिन की तरफ जा रही है तो वो कॉन्ट्रैक्शन है, सिंपल। इंसर्शन, जैसे कि अगर मैं बाइसेप की बात करूं तो बाइसेप मसल का जो ओरिजिन है वो होता है हमारा ह्यूमरस बोन, राइट। ह्यूमरस बोन, ये जो अपर आर्म जो होती है हमारी, इसकी जो हड्डी होती है अंदर, एक हड्डी होती है विच इज नोन एज ह्यूमरस बोन, और यहाँ जो नीचे दो बोन्स होती हैं, जो अंगूठे की साइड अगर हम एनाटॉमी के हिसाब से देखें तो जो हमारे थंब की साइड की जो हड्डी होती है, यहाँ पे दो हड्डियाँ होती है बेसिकली, जो राइट हैंड साइड पे जो हड्डी निकलती है लंबी, दैट इज नोन एज रेडियस, और जो हमारे पिंकी फिंगर की साइड जो बोन जा रही होती है सीधी, दैट इज नोन एज अल्ना, ULNA अल्ना, ठीक है। तो बाइसेप मसल जो है वो, उसका ओरिजिन होता है ह्यूमरस बोन, जो हमारी ऊपर की बोन है, और वो नीचे जाती है हमारे रेडियस बोन पे जाके कनेक्ट हुई। ऑब्वियसली यहाँ पे दो हेड होते हैं हमारे बाइसेप मसल के, जो 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 जिसे कि हम ब्रेकाई मसल कहते हैं, एक लॉन्ग हेड और एक शॉर्ट, तो दोनों ही नीचे जाके रेडियस और अल्ना में जाके मिलती हैं। ओरिजिन जो है वो है इनका ह्यूमरस बोन। तो इंसर्शन, ये ओरिजिन, तो इंसर्शन से जब ओरिजिन की तरफ गई तो वो हो गई कॉन्ट्रैक्ट। चेस्ट मसल की बात करूं तो चेस्ट मसल में दो हेड होते हैं हमारे चेस्ट में, इसमें दो हेड होते हैं, जो अपर हेड होता है दैट इज नोन एज क्लेविकुलर हेड, और जो लोअर हेड होता है वो होता है स्टर्नोकोस्टल हेड। स्टर्नोकोस्टल हेड क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो स्टर्नम बोन होती है इसके पास में है ये मसल, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्टर्नोकोस्टल हेड। क्लेविकुलर हेड की अगर मैं अपने चेस्ट में, जो अपर चेस्ट जिसे हम कहते हैं, जिससे हम इंक्लाइन लगाते हैं, अपर चेस्ट जो क्लेविकुलर हेड है उसकी अगर मैं बात करूं तो उसका, वो क्लेविकुलर हेड क्यों है, क्योंकि क्लेविकल बोन, इस बोन को क्लेविकल बोन कहते हैं, ये जो यहाँ पे दो हड्डियां होती हैं इसको क्लेविकल बोन कहते हैं। इसका जो ओरिजिन है वो होता है क्लेविकल जो बोन है वहां से, और जो उसका इंसर्शन है वो होता है हमारी ह्यूमरस बोन। अब इंसर्शन से ओरिजिन की तरफ, इंसर्शन से ओरिजिन की तरफ जाती है, दिस मूवमेंट इज नोन एज हॉरिजॉन्टल एडक्शन। गाइस ये सारी टर्म्स मैं आपको अपनी वीडियोस में बताऊंगा, तो जो लोग भी इन सारी टर्म्स से वाकिफ होना चाहते हैं तो आप गाइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर आप नए हैं तो। अब चेस्ट मसल को ट्रेन करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मूवमेंट है, हॉरिजॉन्टल एडक्शन। हॉरिजॉन्टल क्यों, क्योंकि हॉरिजॉन्टली मूवमेंट हो रही है, जिसके लिए हम पैक डेड फ्लाई करते हैं या डंबल फ्लाई करते हैं या बेंच प्रेस करते हैं,
ऑल दीज मूवमेंट्स आर हॉरिजॉन्टल एडक्शन। तो जब भी आप इंसर्शन से ओरिजिन की तरफ जा रहे हैं वही कॉन्ट्रैक्शन है, तो ही आपकी एक्सरसाइज यानी कि आप सही कर रहे हैं। अदरवाइज कोई भी और मूवमेंट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर मसल के लिए वो गलत है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल का आइकॉन आएगा उसको क्लिक कर बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि उसको जब आप क्लिक कर देंगे तो जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिलेगी। और आज मैंने बाल कटवाए थे तो जल्दी में था और जिसने काटे उसने भी पूरे मन से नहीं काटे तो मेरे बालों की उसने वाट लगा दी। कम से कम हफ्ता लगेगा, हफ्ते 10 दिन में थोड़ी बातचीत आएगी वापस। कोई बात नहीं, घर की खेती है, आ जाइए वापस। चलिए गाइस, बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।